एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। एंड एज यू ऑल नो दैट द आरटीयू थर्ड सेम रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर टुडे। एंड आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, चेक इट आउट कर सकते हो, ठीक है। मेरी खुद की वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप जाके चेक इट आउट कर सकते हो। और इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी आपको, लाइक आरटीयू पेपर्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, काफ़ी सारा मटेरियल इस वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड हो चुका है। तो मेक श्योर जाइए एंड इस वेबसाइट के ऊपर चेक इट आउट कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द थिंग्स लाइक कि शुड आई फिल द री इवेल्युएशन फॉर्म या रिवेल फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रिजल्ट, ओके। लाइक आपके रिजल्ट में ऐसा आ रहा है कि 5-10 नंबरों से मैं रह गया हूँ। अब ये सर कैसा पता चलेगा कि 5-10 नंबरों का ही फर्क है? तो देखो, अब आपके ऊपर फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है, तो आप इजीली चेक इट आउट कर सकते हो कि जब आपके जितने भी नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर लाइक इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल सब के नंबर जोड़ के उनका 35% निकालना। जो नंबर आता है आपके पास 35%, अगर वो नंबर आपके आ रहे हैं तो आप पास हो, ठीक है। अगर उससे कम नंबर है तो वो आप फेल हो गए हो, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हो सकता है आपके कॉलेज के थ्रू आपके नंबर कम आ गए होंगे, ठीक है। तो ये भी रीज़न रहता है कि आपने थ्योरेटिकल पेपर अच्छा किया है, बट कॉलेज के थ्रू कई बार नंबर कम आ जाते हैं तो उससे भी अपने बैक लग जाती है, तो ये चीज़ रहती है। तो दूसरी चीज़ ये कि 35% आप निकाल लो, कि उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई 5-10 नंबर का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो 5-10 नंबर आई थिंक रिवेल फॉर्म डालने से आराम से निकल जाते हैं। मैंने कई ऐसे केसेस देखे जिनके अंदर 20-20 नंबर भी एड ऑन हुए हैं, क्योंकि आपको पता है यार, आपको पता है आपने पेपर करके आए, आपको पता है आपने पेज फिल किए, आपने पता है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। आप अपनी आंसर शीट के अकॉर्डिंग ही रिवेल का फॉर्म भरोगे। आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर, मैंने इतना काफ़ी कुछ लिख के आया हूँ, बट नंबर इतने मेरे अच्छे नहीं आए, बाकी मेरे स्टूडेंट ने तो इतने ही पेज भरे थे, जबकि उनसे तो मैं 3-4 पेज ज़्यादा ही भर के आया हूँ, स्टिल मेरे को अच्छे नंबर नहीं मिले हैं या फिर मैं फेल हो गया हूँ। तो यू शुड अप्लाई फॉर द रिवेल फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड कुछ चार्जेज होते हैं आरटीयू के, वो देने पड़ेंगे एंड दे विल अपडेट योर रिजल्ट। वे चेक करेंगे एंड रीइवैल्यूएट करने के बाद आपके नया रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और मैंने मोस्ट ऑफ केस में यही देखा है कि आराम से निकल जाता है, बट जिनके ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई 20-20 नंबर का ही गैप है, तो उनके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। और जिनके पास जैसे कि हाँ बस मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है सर, मैं रिवेल का फॉर्म डालूँ, क्या पता बाई चांस निकल जाए, तो यार अप्लाई करके आप देख सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। और आपका फोर्थ सेम का एग्जाम होने वाला है 3rd of September से, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी कि कैसे नोट्स मोस्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बट उनके ऊपर ब्लाइंडली यानी कि अंधे होकर विश्वास मत करना नोट्स के, मोस्ट क्वेश्चन जो मैं लगा रहा हूँ इस बुक के थ्रू, ठीक है। मैंने स्टार्ट भी कर दिए हैं लिखना, ठीक है, टिक लगा रहा हूँ आपके लिए, लगा रहा हूँ, डे बाई डे काम कर रहा हूँ इस चीज़ पर। तो इसके ऊपर आपको ब्लाइंडली होकर बिलीव नहीं करना, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। इसके ऊपर गेस पेपर समझ लो, ऐसे प्रिडिक्शन बेस पेपर है, तो काफ़ी हद तक मैच करेगा। कई सब्जेक्ट में तो आप देखोगे हाँ भाई कंप्लीट मैच कर रहा है, और कई सब्जेक्ट में ऐसा रहेगा कि हाँ भाई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अप्रोच में एक ही यूज करता हूँ और उस अप्रोच के थ्रू ही यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन मैं लगाता हूँ। तो मेक श्योर जिन्होंने भी ड्राइव से लिंक लिया था 39 rupees पे करने के बाद, उन सबको ये मोस्ट क्वेश्चन उसी लिंक पर मिल जाएंगे। यू डोंट नीड टू परचेज एनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो उनको उसी लिंक पर अपडेट हो जाएंगे वो सारे मोस्ट क्वेश्चंस। एंड दूसरी चीज़, जिन स्टूडेंट ने नहीं लिया गाइस, क्या करो यार, आप जल्दी कीजिए। एंड आपको पता है ड्राइव के ऊपर जो लिमिटेड होते हैं एक्सेस, उसके बाद एक्सेस नहीं मिल पाता है। मैंने ऑलरेडी एक लिंक फिल हो चुका है एंड सेकेंड लिंक मैं जनरेट कर रहा हूँ और कर दिया है, आई थिंक उसमें 20-30 स्टूडेंट भी एड हो गए हैं। एंड यू नो व्हाट यार, एक और चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, हाँ 170+ स्टूडेंट ने ये ले लिया है, उनके पास नोट्स पहुंच चुके हैं, आज या कल के अंदर उनके पास मोस्ट क्वेश्चन भी होंगे। सो मेक श्योर आप लेने का प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां पर आपको सिंपली सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। सो मेक श्योर आप वहां से चेक इट आउट कर ले, या मेरी प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको प्रोसीजर फॉलो करके अपना 39 rupees में नोट्स प्लस मोस्ट क्वेश्चन ले लेने हैं। ओके, सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। एनी अदर डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू आरटीयू, रिलेटेड टू हाउ टू पास द एग्जाम एंड ऑल द थिंग्स लाइक क्राइटेरिया क्या होता है, यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में ही।